सो हाजरी महफिल आदाब नमस्ते, और मेरा नाम फैज़ान है, ताल्लुक़ है अलीगढ़ शहर से। और सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार करूँगा पेपर विफ टीम का, जिन्होंने मौका दिया इस खूबसूरत महफिल में आने का, और आप सभी लोगों का भी शुक्रिया जो अपना वक्त निकाल कर इस इतवार की शाम में आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। सो मैं फराज़ साहब की दो लाइनों से शुरुआत करूँगा, क्योंकि मैं लिखता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत, इश्क, जो भी कह लिया इसको। सो फराज़ साहब की दो लाइनें मुझे बड़ा इंस्पायर करती हैं। वो ये कि मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन तो है फराज़, मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन तो है फराज़, लेकिन किसी को टूट कर चाहना सिर्फ़ एक बार होता है। तो मैंने ये जो टाइटल है जो सुनाए जा रहा हूँ, उसका मौजू है डर है कि तुम्हें खो ना दूँ। और ये मैंने इस मौजू पे लिखा है कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा उनसियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो हर मोमेंट पे हमें ऐसा लगता है कि हम उसको खो ना दें। तो इसका शुरुआत है, और जहाँ भी आपको लगे कि आप इस सफ़र में कहीं भी टकराए हैं, तो हौसला अफज़ाई करिएगा। तो सुनिए कि डर है कि तुम्हें खो ना दूँ, ये जो गुमनाम सा रिश्ता है, इसको नाम देने के चक्कर में कहीं इस रिश्ते का मतलब ही ना खो दूँ। डर है कि तुम्हें ना खो दूँ, ये जो बात बात पर बातें बढ़ती चली जाती हैं, और मेरा गुस्सा शबाब पर होने के बावजूद तुम उसको चुपचाप सह से लेते हो, सिर्फ इस रिश्ते की मिठास की खातिर। डर है कि इस मिठास को ना खो दूँ, डर है कि तुम्हें ना खो दूँ। और फिर इस मनाने के चक्कर में हम क्या कुछ नहीं कर गुजरते, ये रिश्ता ही ऐसा है कि ख़त्म होने के नाम से दोनों डर से जाते हैं, और फिर तुम्हारी मासूमियत और आँखों में कुछ आंसू से मेरा वो गुस्सा चला तो जाता है, पर डर है कि इस मासूमियत को ना खो दूँ, डर है कि तुम्हें ना खो दूँ। और जब नाराज़गी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ हुआ है, बट रिलेट करिएगा, और जब नाराज़गी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और हम एक दूसरे के मैसेज और फ़ोन कॉल्स का जवाब देना भी गवारा नहीं समझते, फिर उस एक छोटे से ख़त से और कुछ इमोजी से जो बातों का सिलसिला शुरू होता है ना, तो रात के पहर कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं लगता। डर है कि तुम्हारी खैरियत लेने की आदत को ना खो दूँ, डर है कि तुम्हें ना खो दूँ। और जब साथ में चलते हुए भीड़ वाले इलाके में, जब साथ में चलते हुए भीड़ वाले इलाके में मैं आगे निकल जाता हूँ, तुम पीछे रह जाते हो, और तुम्हारी उनसियत और उस पर यकीन कि मैं वापस आकर तुम्हारा हाथ थाम लूँगा, डर है उस यकीन को ना खो दूँ, डर है कि तुम्हें ना खो दूँ। और ये जो वक्त बीत रहा है और जो बीत गया है और आगे जो भी बीतेगा, ये जो वक्त बीत गया है और जो बीत रहा है और आगे जो भी बीतेगा, सुनो सुनो, एक ख्वाहिश है दिल में इस वक्त के पहिए को मैं कसकर पकड़ कर थाम लूँ, जैसे हूबहू तुमने आज तक मुझे थाम रखा है। डर है कि इस वक्त में बिताए उन खूबसूरत लम्हों को ना खो दूँ, डर है कि तुम्हें ना खो दूँ। सो पोइट्री के साथ मैंने अभी कुछ टाइम पहले शुरुआत करी है, लिरिक्स लिखने का कोशिश करा है, मुझे नहीं पता पहली बार होता है हर वक्त। सो लिखा है मैंने, कोशिश करूँगा इसको कि आगे तक पहुँचा पाऊँ। तो अगर आपको लगे कि क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा उर्दू का यूज़ हो रहा है, तो आप सुनिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो दाद दीजिएगा। तो इस तरह से है कि तेरा जो साथ है थामा ये हाथ है, तेरा जो साथ है थामा ये हाथ है, तुझसे ही मुकम्मल हूँ मैं, तू है तो सब खास है। तेरा जो साथ है थामा ये हाथ है, तुझसे ही मुकम्मल हूँ मैं, तू है तो सब खास है। लकीरों को देखकर यूं लगा हूँ पूरा सा, जो कभी राहों पर रह गया था अधूरा सा। इन राहों में मेरा हाथ ना छोड़ो, दिल है परेशान यूं चेहरा ना फेरो, अब इंतहा से बे इंतहा तक बैठा हूँ कुछ ख्वाब पे रोकर। तेरा जो साथ है थामा ये हाथ है, तुझसे ही मुकम्मल हूँ मैं, तू है तो सब खास है। और जब इंसान खो देता है तो लगता है कि उसके लिए लिखा था मैंने कि अब किनारा भी फिर किनारा ही कहाँ रहा, अब किनारा भी फिर किनारा ही कहाँ रहा, एक शख्स कहाँ फिर हमारा ही रहा। अब किनारा भी फिर किनारा ही कहाँ रहा,
एक शख्स कहाँ फिर हमारा ही रहा, अब मुसलसल किस्मत की लकीरों को देखकर आंखों के सामने पल भर नज़ारा ही रहा। और शाख पर बैठा परिंदा गुरूर में था बहुत, शाख पर बैठा परिंदा गुरूर में था बहुत, कुछ हुआ यूं कि फिर वो उम्र भर बेसहारा ही रहा। और ये इश्क, प्यार, मोहब्बत, ये सब वक्ती चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि इंसान को ज़िंदगी की असल मायने जो हैं होने चाहिए। तो कुछ लाइनें मोटिवेशनल टाइप की लिखी थी मैंने, और मुझे नहीं पता कि वो आपकी ज़िंदगियों में कहाँ टच होंगी। तो उसमें इस तरह से है कि सिर्फ तकदीर के सहारे बैठ के क्या होता है, सिर्फ तकदीर के सहारे बैठ के क्या होता है, सिर्फ किस्मत की लकीरों को तकने से क्या होता है, सिर्फ तकदीर के सहारे बैठ के क्या होता है, सिर्फ किस्मत की लकीरों को तकने से क्या होता है। गर है शौक कि हो परवाज आसमानों की बुलंदियों पर, गर है शौक कि हो परवाज आसमानों की बुलंदियों पर, तो फिर आसमान तकने से क्या होता है। और मंजिल की तलाश है तो निगाहे नियत भी सीधी, मंजिल की तलाश है तो निगाहे नियत भी सीधी हो, खाली मुसाफिर बनने से क्या होता है। और ये ज़िंदगी कहानी ऐसी है कि कभी उरूज है तो कभी जवाल, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी कहानी ऐसी है कि कभी उरूज है तो कभी जवाल, बंद आँखों से ख्वाब देखने से क्या होता है। और रख थोड़ा सा हौसला और दिल के किसी कोने में सब्र भी, रख थोड़ा सा हौसला और दिल के किसी कोने में सब्र भी, यूं वक्त बेवक्त कराहने से क्या होता है। और आखिरी दो लाइनें बोलकर मैं रुख्सत लेता हूं। एज एन आर्टिस्ट, मैं और जितने लोग यहां पे तशरीफ़ लाएं, सबको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो दो लाइनें मैंने कहीं पर पढ़ी थी, वो आपके सामने कर दे रहा हूं कि कोशिश करे इंसान तो क्या कुछ नहीं होता, कोशिश करे इंसान तो क्या कुछ नहीं होता, करना ही ना चाहे तो बहाने हज़ार हैं। शुक्रिया।